नमस्कार दोस्तों, आर्ट एंड मैचेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आपको अक्टूबर 2018 का जो करंट अफेयर्स है उसको मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और आपको बताना चाहूँगा कि अक्टूबर का तो यहाँ पर मैं आपको दूंगा ही, नवंबर का, दिसंबर का, 2018 का अपलोड हो चुका है, जनवरी 2019 का भी मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। तो आप वो सारे वीडियो देख करके उनसे नोट्स बना करके आगामी परीक्षाओं की तैयारियाँ करते रहें। और GS 60 नोट्स नाम का एक और मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इसमें GS के छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बुक्स हो गए, कौन सा यात्री किसके दरबार में आया, कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है, इस तरह के जो शॉर्ट नोट्स हैं मैं वहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करे रहिएगा ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उससे नॉलेज कलेक्ट करते रहें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज 2018 अक्टूबर का मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले शुरू हो जाती है, नोबेल प्राइजेस। चिकित्सा का नोबेल 2018 के लिए किसको मिला हुआ है, तो उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, जेम्स पी एलिसन और तासुक होन्जो, ये जापान के हैं, को संयुक्त रूप से प्रदान करने की घोषणा 1 अक्टूबर 2018 की गई है। उन्हें किस क्षेत्र के उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाएगा, तो ये कैंसर चिकित्सा के लिए भाई इस बार चिकित्सा का नोबेल मिल रहा है, कैंसर में चिकित्सा के लिए। तो नाम है इनके जेम्स पी एलिसन और तासुक होन्जो, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे पहला ही। इसके बाद हमारे भौतिक का नोबेल है, वे तीन भौतिकविदों का नाम बताइए जो 2018 के भौतिकी का नोबेल ले जा रहे हैं और 2 अक्टूबर को इसकी घोषणा की गई है। तो इनके नाम है आर्थर एस्किन, गेरार्ड मेरू और डोना स्ट्रिकलैंड। इन तीनों का लेजर भौतिकी पर काम करने के लिए, अध्ययन करने के लिए ये पुरस्कार उनको दिया जा रहा है। तो आप नाम याद रखिएगा, आर्थर गेरार्ड और डोना, आर्थर गेरार्ड डोना, पहले पहले वाले नाम याद रखिए, आपको तीनों ऑप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप ऑप्शनल पेपर दे रहे हैं तो आपको आराम से मिल जाएंगे ये सारे। इसके बाद रसायन विज्ञान का नोबेल मिलेगा, तो 3 अक्टूबर को रसायन विज्ञान की घोषणा हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऑर्डर से है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाए कि सबसे पहले किस चीज़ का नोबेल दिया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले जो है चिकित्सा का नोबेल दिया जाता है, फिर उसके बाद भौतिक का दिया जाता है, फिर उसके बाद जो है रसायन का प्रदान किया जाता है। तो रसायन शास्त्र का जो नोबेल मिला हुआ है, देखते हैं किसको किसको मिला है, फ्रांसिस एच एर्नोल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ और सर ग्रेगरी पी विंटर को मिला है। और इन तीनों लोगों ने जो है एंजाइम की उत्पत्ति तथा उनका सफल अनुप्रयोग मानवता के कल्याण के लिए किया है। उल्लेखनीय कि ऐसे एंजाइम्स का प्रयोग बायो ईंधन से लेकर बायो फार्मा क्षेत्र जैसे अनेक क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है। तो जो रसायन का मिला हुआ है वो की बार फिजिकल केमिस्ट्री पर मिला है। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब जिसमें एंजाइम्स वगैरह की बात की जाती है, तो मिला किनको है, फ्रांसिस एच अर्नोल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ और ग्रेगरी पी विंटर। इसमें आप याद कर सकते हैं इनके पीछे वाले नाम, इनके पीछे वाले नाम राइमिंग से मिल रहे हैं, अर्नोल्ड, स्मिथ और विंटर। इनको कहाँ मिला है, केमिस्ट्री का मिला हुआ है। इसके बाद आता है अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपना मुख्य का अर्थशास्त्री किसे नियुक्त करने की घोषणा की है, तो गीता गोपीनाथ को, ये भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, इनको IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। इनका नाम है गीता गोपीनाथ, इन्होंने ही नोटबंदी की आलोचना सबसे पहले की थी, गीता गोपीनाथ ने। इसके बाद पांचवा हमारा है वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनी IL&FS के निदेशक मंडल का सरकार द्वारा नामित एक बोर्ड को अपना नियंत्रण सौंपने के प्रस्ताव को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने 1 अक्टूबर को अपनी मंजूरी दी है। इस नवगठित 6 सदस्यीय बोर्ड की कमान किसे दी गई है, तो उदय कोटक जी को दी गई है। IL&FS नाम की जो कंपनी डूब रही है, कई हजार करोड़ रुपए इसके डूब रहे हैं, निवेशकों के पैसे डूब रहे हैं, तो इसके लिए एक समिति बनाई गई है, 6-10 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया है, तो उदय कोटक उसकी अध्यक्ष रहेंगे, ये याद रखिएगा। इसके बाद लंबे गतिरोध के बाद ICICI बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर ने इस्तीफा दे दिया है, उनके स्थान पर MD और CEO नियुक्त किया गया है संदीप बख्शी जी को। इसके बाद हमारा सातवां पॉइंट है, सुप्रसिद्ध यात्री विमान बोइंग 747 ने 30 सितंबर 2018 को कौन सी बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, इसने अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो 50 वर्ष अपने कौन पूरा कर रहा है, बोइंग 747 विमान। इसके बाद आठवें नंबर पे हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2018 नोबेल का शांति किन दो कार्यकर्ताओं को संयुक्त रूप से प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो डॉक्टर देनिस मुकावेगे और नादिया मुराद को जो है ये संयुक्त रूप से नोबेल शांति 2018 दिया जा रहा है। नोबेल शांति फिर से एक बार जान लीजिए,
डेनिस मुकवेगे और नादिया मुरादिन को दिया जा रहा है। यह दोनों को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार यौन अपराधों को युद्ध तथा सशस्त्र संघर्षों में एक प्रमुख हथियार बनाने की प्रवृत्ति को रोकने की दिशा में किए गए कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसके बाद किन दो अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को वर्ष 2018 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान करने की घोषणा 2018 की गई है? तो विलियम डी नॉर्थहाउस और पॉल एम रोमर। नॉर्थहाउस और जो है रोमर, ये दो नाम आप याद रख लीजिए, ये अर्थशास्त्रियों के हैं, ये नोबेल प्राइज़ जीतेंगे। इन दो वैज्ञानिकों को जो है जलवायु परिवर्तन और सतत विकास नीतियों, इनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। सभी में मैंने ये भी चीज़ बताया हुआ है कि इन्हें उस पर्टिकुलर क्षेत्र की किस टाइप की रिसर्च के लिए या किस टाइप की स्टडी के लिए इनको जो है ये प्राइज़ दिया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है 5 अक्टूबर 2018 को भारत और रूस के मध्य एक अंतर सरकारी समझौता हुआ है तथा भारत को रूस की कौन सी विश्व प्रसिद्ध विमानरोधी प्रक्षेपास्त्र प्रणाली मिलेगी? तो उस प्रणाली का जो है नाम है S-400 ट्रायम्फ। ये जो है हमें रसिया से मिल रही है, रूस के साथ जो है समझौता करने पर ये एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम हम लोग को मिल रहा है रसिया से। इसके बाद 11वें पॉइंट पे है कि नागालैंड के गांधी के नाम उपनाम से प्रसिद्ध हस्ती का वास्तविक नाम क्या है, जिनका निधन अक्टूबर में हो गया है? तो नटवर ठक्कर जो हैं, इनको नागालैंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। नागालैंड में शांति क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए इनको जो है गांधी की उपाधि दे दी गई है नागालैंड की। केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर को इसे भारत का अगला सॉलिसिटर जनरल बनाया है। तुषार मेहता को जो है केंद्र सरकार ने सॉलिसिटर जनरल बनाया है। ये पद कई सालों से खाली था, तुषार मेहता के आने के बाद ये पद भर जाएगा। तो एक बार फिर से बता दूं आपको, तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल 10 अक्टूबर को बनाया गया है। इसके बाद अगला है कि 10 अक्टूबर 2018 को जारी सूचना के अनुसार SBI की पूर्व अध्यक्षा अरुंधति भट्टाचार्य ने किस निजी इक्विटी फर्म में सलाहकार का पद संभाल लिया है? तो इसका नाम है क्रिस कैपिटल। क्रिस कैपिटल में जो है अरुंधति भट्टाचार्य, जो SBI की पूर्व अध्यक्ष थी, इन्होंने संभाल लिया हुआ है इसका कार्यकाल। इसके बाद एक तूफान का नाम यहाँ पर दिया गया है, जिसका नाम तितली है और ये आंध्रा के तट पर आया है। उस भयंकर चक्रवाती तूफान का नाम क्या है जो 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीचों बीच में प्रविष्ट हुआ, जिसके चलते भारी तबाही में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है? तो इसका नाम जो है तितली है। इसके बाद हमारा 15वां पॉइंट है 10 अक्टूबर 2018 की से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज ISI का जो है प्रमुख नियुक्त किया गया। तो लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को जो है ISI का प्रमुख नियुक्त किया गया है। 16वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 अक्टूबर 2018 के दौरान प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर निर्मित किया जाएगा? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में देश का सबसे लंबा पुल भी जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित धौला सादिया पुल के नाम से है, जिसकी लंबाई कुल 9.5 किलोमीटर है। लेकिन 19.3 किलोमीटर लंबे नए प्रस्तावित पुल के जरिए जापान की फंडिंग एजेंसी ने परियोजना के लिए ऋण प्रदान करने मंजूरी प्रदान कर रही है। लेकिन जो है ये जो 19.3 किलोमीटर का प्रस्तावित हो जाएगा, तो ये सबसे लंबा हो जाएगा पुल, ठीक है। और इसका नाम जो रखा गया है वो बोगी बिल पुल रखा गया है, जिसके पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बातचीत करी हुई है, इसका वहाँ पर जिक्र हुआ है। और जो अभी तक का सबसे लंबा पुल है उसका नाम है ढोला सादिया पुल, ये वहाँ पर अभी से मौजूद है। और ये किसकी सहायता से ये पुल बनाया जा रहा है? तो जापान की फंडिंग एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके बाद दिया गया 17वां पॉइंट, वर्ष 18 का मैन बुकर अवार्ड किसने जीता? तो ये अन्ना बन से जीता है, इनकी उपन्यास का नाम मिल्क मैन है। मैंने जो वीडियो बनाया है बुक्स एंड जो है फेमस नावेल्स और उनके राइटर्स, तो उनमें उनमें मैंने इस बुक के बारे में बताया हुआ है कि मिल्क मैन ने जो है 2018 का मान बुकर अवार्ड जीता है। जबकि गोल्डन मान बुकर अवार्ड है उसको जो है द इंग्लिश मैन के नाम से कुछ एक है, उन्होंने माइकल ओंडाजे का है, वो जीता है उन्होंने। अन्ना बंस ने जीता है, ये सिंपल मान बुकर अवार्ड है। इसके बाद 18वां आया है नोबेल साहित्य पुरस्कार के विरोध में। ये अपने आप में एक अनोखी जो है न्यूज़ है कि विरोध में संस्थापित किए गए वैकल्पिक पुरस्कार न्यू अकेडमी प्राइज इन लिटरेचर के विजेता के तौर पर किसकी घोषणा की गई? तो मैरिस कोंडे की गई है। अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है
इन नोबेल पुरस्कार के विरोध में कोई पुरस्कार दिया जा रहा हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में। 19वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस वैश्विक इस्पात निर्माता के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कर्ज में डूबी हुई भारतीय इस्पात निर्माता कंपनी एसआर स्टील का अधिग्रहण किया है। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे एसआर स्टील का जो है आरसेलर मित्तल ने किया हुआ है अधिग्रहण। इसके बाद है वयोवृद्ध राजनेता तथा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, तो ये दो राज्यों के मुख्यमंत्री थे जो पहले एनडी तिवारी हैं, नारायण आदित्य तिवारी, ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दो दो राज्यों में अपना कार्यकाल संभाल चुके हैं। इनका 93 वर्ष की आयु में 18 अक्टूबर को निधन हो गया है। उनके मुख्यमंत्री से जुड़ा एक विशेष तथ्य यह है कि वे देश के एकमात्र ऐसे राजनीतिक थे जो दो दो राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं। एनडी तिवारी कुल 3 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री थे, 76-77 और 84-85 और 88-91। इसके बाद वे 2002 से लेकर 2007 तक जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे और ये कांग्रेस के थे। इसके बाद 21वां पॉइंट हमारा है, अक्टूबर 18 दौरान भूटान में हुए तीसरे लोकतांत्रिक चुनाव में किसे देश का अगला प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो लोटे शेरिंग को जो है भूटान का प्रधानमंत्री चुना गया है, ये याद रखिएगा। इसके बाद 22वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर, किस देश के किस राज्य में 21 अक्टूबर 2018 को पहली बार डीजल का मूल्य जो है पेट्रोल से अधिक हो गया था, तो ओडिशा में यह घटना हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल नए रूप में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक तथा संग्रहालय का उद्घाटन 21 अक्टूबर को किस शहर में किया है, तो ये नई दिल्ली में किया हुआ है। किसका उद्घाटन इन्होंने किया हुआ है, पुलिस स्मारक तथा संग्रहालय। इसके बाद हमारा 24वां है कि भारत के उस पहले लग्जरी क्रूज लाइनर जहाज का नाम क्या है जिसने मुंबई से गोवा बीच अपनी नियमित सेवाओं का परिचालन अक्टूबर के दौरान शुरू किया है, इसका नाम है एंग्रिया लिखा हुआ है यहाँ पर, एंग्रिया ये पढ़ा जाएगा। इसके बाद हमारा 25वां पॉइंट है कि भारतीय पेमेंट उपक्रम पेटीएम ने अक्टूबर 18 के दौरान जापान में सॉफ्ट बैंक और याहू जापान के सहयोग से एक स्मार्टफोन आधारित पेमेंट सेवा शुरू की है, इस सेवा का नाम दिया गया है पेपे। तो ये याद रखिएगा पेटीएम ने जो है जापान में सॉफ्ट बैंक और याहू जापान के सहयोग से एक स्मार्टफोन आधारित पेमेंट सेवा कौन स्टार्ट की है, पेपे नाम है इसका। इसके बाद हमारा 26वां पॉइंट है कि चीन ने 24 अक्टूबर को दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री पुल संरचना को आम लोगों के लिए खोल दिया, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री पुल संरचना, ये चीज़ याद रखिएगा। वो किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है, ये मकाओ को जोड़ेगा और जुहाई को जोड़ेगा, और इस पुल की कुल लंबाई 55 किलोमीटर है। इसके बाद 27वें नंबर पर है, कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर को मंत्रियों के समूह का गठन किया, इस समूह का नेतृत्व राजनाथ सिंह ने किया। इसके बाद 28वां पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉम्प्लान, ग्लूकॉन डी और नाइसिल जैसे सुप्रसिद्ध ब्रांडों के स्वामित्व वाली कंपनी हाइंज इंडिया के व्यवसाय का अधिग्रहण जो है जाइडस वेलनेस कर लेगा अक्टूबर में। इसके बाद हमारा 29वां पॉइंट है कि तमाम संगठनों व उपक्रमों को समाज में योगदान प्रदान करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से तैयार उस पोर्टल का नाम क्या है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया, तो सेफ फॉर सोसाइटी नाम का जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है इसके लिए। 30वें नंबर पे हमारा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने स्वदेश निर्मित पहला माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है जो मोबाइल कंप्यूटिंग तथा ऐसे तमाम छोटे उपकरणों में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस माइक्रो प्रोसेसर का नाम है शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि जो है ये स्वदेश निर्मित पहला माइक्रो प्रोसेसर है। इसके बाद 31वां पॉइंट हमारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को सरदार भाई पटेल 182 मीटर भव्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से उद्घाटन गुजरात के नर्मदा जिले में किया है। यह प्रतिमा वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। निजी क्षेत्र की सुप्रसिद्ध कंपनी L&T द्वारा इसका निर्माण किया गया है। राम सुतार अगर तैयार की इसका जो डिज़ाइन है प्रतिमा का किस मूर्तिकार ने तैयार किया है, तो इनका नाम है राम सुतार ने इस प्रतिमा की जो डिजाइनिंग है वो तैयार की थी। अगर इसके आधार को भी जो है ऊंचाई में शामिल कर लिया जाए तो इसकी ऊंचाई 240 न कि 182 हो जाती है अगर इसको बेस को यूज कर लिया जाए या बेस को भी चेक किया जाए। तो अंतिम क्वेश्चन हमारा आज है कि जो है विश्व बैंक द्वारा जारी वर्ष 2018 नवीनतम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की स्थिति जो है 23 स्थान उछल करके 77वें पोजीशन पे आ गई है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें ताकि आपको मंथली करंट अफेयर्स की जो फाइल है वो यहाँ पर मिलती रहे और इसका डिस्कशन आपको लगातार मिलता रहे।